आपने बहुत सुना होगा कि आज सेंसेक्स नीचे आ गया। आज निफ्टी और सेंसेक्स 200 पॉइंट से नीचे था या निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। आज के इस छोटे से वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे यतलकी एकेडमी के द्वारा फ्री में वर्ल्ड फाइनेंस के बारे में बताया जाता है। मान लो किसी क्लास में आपको 384 मार्क्स आए 500 में से। टोटल 5 सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम था। इंग्लिश में आए 85 मार्क्स, मैथ में आए 59 मार्क्स, सोशल साइंस में आए 75 मार्क्स, हिंदी में आए 75 मार्क्स और साइंस में आए 90 मार्क्स। पांचों सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको 384 मार्क्स आए। यहाँ पे आप बोल सकते हो 384 मार्क्स जो आपको आए वो पांचों सब्जेक्ट्स के इंडेक्स हैं, क्योंकि 384 मार्क्स ही आपके पांचों सब्जेक्ट्स को इंडिकेट कर रहे हैं, आपके पांचों सब्जेक्ट्स के परफॉर्मेंस को बता रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 384 मार्क्स आपके पांचों सब्जेक्ट्स के इंडेक्स हैं। कोई आपसे पूछेगा तो आप आराम से बता दोगे कि 384 मार्क्स आए। आपने एक तरह से पांचों सब्जेक्ट्स को मिला के जो इंडेक्स बना वो आपने बताया। ऐसे ही शेयर बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स एक इंडेक्स है। निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां हैं। सेंसेक्स के अंदर जो 30 कंपनियां हैं वो 300 कंपनियां जिस तरह से शेयर मार्केट में ऊपर नीचे जाएगा, वैसे ही सेंसेक्स का इंडेक्स भी ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि वो 300 कंपनियां को मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है, उसे बोला जाता है सेंसेक्स। ऐसे ही 50 कंपनियों को मिला के बनता है निफ्टी, इसलिए निफ्टी को निफ्टी 50 भी बोला जाता है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। शेयर मार्केट में 4000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन उस 4000 कंपनियों में से बस 30 कंपनियां को सेंसेक्स के इंडेक्स में रखा गया है और वही निफ्टी में सिर्फ 50 कंपनियां को रखा गया है। सेंसेक्स में इंडेक्स जो 30 कंपनियां हैं वो ज्यादातर वही कंपनियां होती है जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में होती है। अब बात ये आता है कि कौन सी 50 कंपनियां या 30 कंपनियां हैं जो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर होती है। ऐसी कंपनियां को निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में रखा गया है जो कंपनियां अपने सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं। हर एक सेक्टर में बड़ी कंपनियों को चुना जाता है और सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सेक्टर में SBI, ICICI बैंक या HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब कंपनियां अपने सेक्टर में बड़ी कंपनियां हैं, इसीलिए निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर इसे रखा गया है। FMCG सेक्टर में ITC, IT सेक्टर में TCS, इंफोसिस, विप्रो, ऐसे ही अपने सेक्टर में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसे निफ्टी और सेंसेक्स में रखा गया है। अब बात ये आता है कि किस आधार पे इन कंपनियों को बड़ा माना जाता है। जिस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है उसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स में रखा जाता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कंपनियों को बड़ा माना जाता है, फिर उसे सेंसेक्स और निफ्टी में इंक्लूड किया जाता है। अब समझते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जब हम कंपनियों के शेयर प्राइस को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलता है। कंपनियों के जो ओनर होते हैं उनके शेयर्स को माइनस कर देते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से, तब हमें उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलता है। कंपनियों के ओनर कोई भी हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंबानी, अडानी एटसेट्रा। जो भी ओनर होते हैं उनके शेयर्स को माइनस किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, फिर उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलता है। सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स में जो कंपनियां होते हैं उन कंपनियों का वेटेज इंडेक्स पे अलग अलग होता है। जैसे आपको 384 मार्क्स आए थे ये पांचों सब्जेक्ट्स मिला के, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको साइंस में आया था 90 मार्क्स, यानी कि आपके टोटल मार्क्स में साइंस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है। मैथ में सबसे कम मार्क्स आपको आए थे, इसीलिए 384 मार्क्स में सबसे कम वेटेज वाला सब्जेक्ट आपका मैथ है। ऐसे ही निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में जो 50 और 30 कंपनियां होती हैं, हर एक कंपनी का वेटेज निफ्टी और सेंसेक्स पे अलग अलग होता है। जैसे अभी फिलहाल फाइनेंस सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनका वेटेज निफ्टी में ज्यादा है।
हर 3 से 4 मंथ में निफ्टी के जो 50 कंपनियां हैं या सेंसेक्स के जो 30 कंपनियां हैं उनमें से किसी को हटा के दूसरे कंपनियां को शामिल किया जा सकता है। जो कंपनियां अपने सेक्टर में ज़्यादा ताकतवर होगा वो निफ्टी और सेंसेक्स में इंक्लूड हो जाता है। मुझे आशा है कि आपने निफ्टी और सेंसेक्स को समझा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप हमारे साइट yatlakiacademy.online पे भी जाके अपने क्वेरीज को लिख सकते हैं, जहाँ पे यतलकी एकेडमी की तरफ से आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।